अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। जैसे कि आप सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स यूजी नीट 2022 के लिए अपने इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिस जगह पे आप जाओगे, सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट 40 डेज के लिए पोस्टपोन होना चाहिए। अब स्टूडेंट ने ग्रीवेंस डाली थी पीएमओ ऑफिस में, वहाँ से क्या रिस्पांस मिला है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब आप स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ऑलमोस्ट 40 डेज के लिए होना चाहिए। और CUET का जो एग्ज़ाम है वो क्लैश कर रहा है नीट एग्ज़ाम को, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये सब जानने के लिए आपने ये वाला वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें, ताकि आपके रिलेटेड जो भी वीडियो होगा आप तक ईजिली पहुँच पाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा WhatsApp ग्रुप या Telegram ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी शॉर्टकट अपडेट्स होती है जिस पर वीडियो नहीं बनता, वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर जो है नीट एस्पायरेंट्स के लिए मैंने अलग यहाँ पर जो है ग्रुप बना कर रखा है, जहाँ पर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। उस ग्रुप की लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले जो CUET का एग्ज़ाम है वो क्लैश कर रहा है नीट एग्ज़ाम को, जिसके बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो नीट का भी एग्ज़ाम देते हैं और CUET का भी एग्ज़ाम देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे 15, 16 और 19 जुलाई को CUET का एग्ज़ाम है, अब 17 जुलाई का डे है, उस डेट को नीट का एग्ज़ाम आ जाता है। अब डिमांड इस पर भी हो रही है कि यहाँ पर CUET एंड नीट का एग्ज़ाम जो है वो आपस में क्लैश हो रहा है, और आप सबको पता है बहुत कम टाइम मिला है प्रिपेयर होने के लिए नीट एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए ऑलमोस्ट 40 डेज डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पर जो है हमें और 40 डेज मिलने चाहिए कि हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। अब जो PMO ऑफिस की तरफ से रेस्पॉन्स आया है और ग्रीवेंस क्या थी और ग्रीवेंस का रिस्पांस क्या आया है, तो यहाँ पर आप देखें, जो ग्रीवेंस स्टूडेंट ने डाली थी 5 जून 2022 को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, कि ये ग्रीवेंस डाली थी कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है उसको रिशेड्यूल किया जाए। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है 17 जुलाई को एग्ज़ाम है, उसको रिशेड्यूल किया जाए। अब उसके बाद डेली स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल होना चाहिए, 40 डेज तो मिलने चाहिए, ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में इस केस को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। अब इसका रिस्पांस आ चुका है, रिस्पांस जो आया हुआ है 23 जून 2022 को। अब जो रिस्पांस आया हुआ है वो देखें, यहाँ पर आप रिमार्क देख सकते हो, इन्होंने ये रिमार्क्स दिया हुआ है, नीट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अपने डेट पर हो जाएगा, 17 जुलाई 2022 को ही कंडक्ट होगा। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है नीट एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर जो कंसर्नड ऑफिसर है विनोद कुमार साहू, जो ज्वाइंट डायरेक्टर एंटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से ये रिस्पॉन्स दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दिया हुआ है, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। PMO ऑफिस की तरफ से जो केस है वो क्लोज कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर रेस्पॉन्स आया हुआ था PMO ऑफिस की तरफ से, जो मैंने आपको बताया। अब जो आपका यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम है वो अपने डेट पर कंडक्ट होगा, अब अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। अब अगर आपको फिर भी कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर डालना पड़ेगा कि कम से कम 40 डेज के लिए नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो PMO ऑफिस से आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है, और ट्विटर पर अपना जो काम है वो कंटिन्यूसली रखो कि ये बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। जो बंदे केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रेस्पॉन्स मिलेगा स्टूडेंट से वो ट्विटर से ही मिलेगा, क्योंकि बाहर रोड वगैरह पे आ नहीं सकते स्टूडेंट्स। और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और ट्विटर पर जो काम वो हैशटैग लगा कर कंटिन्यू रखो। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपसे शेयर किया, और यहाँ पर जो है उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यू रखने हैं। अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि उनको भी यहाँ पर इसके बारे में पता चले, और ये काम कंटिन्यू रखो। अब इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।